सो दोस्तों ये श्याम कुंड पुरुषों कला, देखिए ऑलरेडी लोग नहा भी रहे इसमें। सो ये मंदिर का मेन एंट्रेंस। दोस्तों मैं अभी खाटू श्याम मंदिर में एंटर कर चुका हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये मंदिर की तरफ रास्ता जाता है और ये रास्ता जाता है कुंड की तरफ। तो फिलहाल कितनी भीड़ हो गई है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैब टू चार्ज। और दोस्तों मैं हूँ अभी एक खाटू श्याम मंदिर में और ये मंदिर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में और कहते हैं बहुत ज़्यादा चमत्कारी भी है। और जो भी यहाँ आता है ना वो मतलब कुछ ना कुछ लेके जाता है, कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हार जाते हैं मतलब किसी कारण भी वो यहाँ आते हैं भगवान का दर्शन करने और उनको जरूर कुछ ना कुछ भगवान सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं भी आया हूँ खाटू श्याम मंदिर के, क्योंकि जो मंदिर लगभग 90 दिन बाद खुल रहा है और बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो सभी आपको दिखाऊंगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए घुमाते हैं आपको खाटू श्याम मंदिर। सो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है खाटू श्याम मंदिर का मेन गेट है और यहीं से खाटू श्याम मंदिर स्टार्ट हुआ था आगे जाके। और उसके जस्ट पहले आपको दोस्तों पार्किंग दे जाएगी, ये देखिए ये पूरी पार्किंग का एरिया है, बहुत बड़ा पार्किंग, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो गाड़ी की बात करो दोस्तों, कार का होगा 100 रुपये पूरे दिन का और बाइक का होगा 50 रुपये। तो आप यहाँ गाड़ी ईजिली पार्क कर पाएंगे और पार्क करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और घुमाते हैं आपको खाटू श्याम मंदिर। जय खाटू श्याम बाबा की। तो इस तरह के देखिए दोस्तों झंडे वगैरह भी हैं। सो दोस्तों ये देखिए खाटू श्याम जी का यह बस अड्डा है, यहाँ पे बस खड़ी होती है और यहीं से आपका विभिन्न जगह जयपुर दिल्ली के लिए बस मिल जाएगी। सो दोस्तों अगर आप खाटू श्याम आना चाहते हैं तो सबसे जो सरलतम जो है परिवहन है वो है आपका ट्रेन। आप ट्रेन से आपको सबसे पहले आना पड़ेगा आपको रिंगस, और रिंगस यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है और वहाँ से जो खाटू श्याम का डिस्टेंस है लगभग 18 किलोमीटर का होता है, जो कि आप जीप और बस द्वारा पूरा कर सकते हैं। और जो टिकट लगेगा वो लगेगा 40 से 50 रुपये। और अगर आप रिंगस तक नहीं आ पा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा जयपुर, वो सेकंड दूसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा और सबसे बड़ा भी है और भारत के अनेक भागों से कनेक्टेड भी है। तो आप जयपुर आइए, जयपुर से आप बस द्वारा आप यहाँ खाटू श्याम आ सकते हैं। और जो जयपुर से दूरी है खाटू श्याम की मात्र 80 किलोमीटर है। और दोस्तों अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो कोशिश कीजिएगा ट्रेन से आइएगा, और अगर आप ट्रेन सफ़र नहीं कर पा रहे हो, रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, तो एक बस चलती है 12:30 बजे धौला कुआँ से, आपको बुक करना पड़ेगा वहीं पहुँच कर। तो आप 11:30-12 बजे पहुँच जाइएगा और आप बुक करके आपको 6 बजे वो बस जो है यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर में डायरेक्ट छोड़ देगी। तो एक ईजी ऑप्शन है अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो। तो अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ने वाला वो पड़ने वाला जयपुर, तो आपको जयपुर आना है और वहाँ से बस पकड़ के आप खाटू श्याम मंदिर आ सकते हैं। सो दोस्तों जैसे आपको वो गेट दिख रहा होगा, मेन गेट दिख रहा होगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है मंदिर का वो लगभग 1 किलोमीटर का है। इनकेस अगर आप चल नहीं पाते हो तो आप इस तरह का आपको रिक्शा ले सकते हो और वो पर पर्सन 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको बिल्कुल भवन के सॉरी मंदिर के सामने छोड़ देंगे। तो आप रिक्शे के द्वारा भी मेन मंदिर जा सकते हो, और अगर आप चल सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे तरह चलते हो तो चल के भी जा सकते हो। तो जय खाटू श्याम बाबा की। मंदिर खुल गया है वैसे चलते हैं। कितने कितने का झंडा वैसे देते हो आप? 100 का है। ये 100 का है और ये 50 का है। हाँ दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह वक्त है और तो फिलहाल थोड़ा सा उजाला होना है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ यहाँ पर, ये देखिए। सो दोस्तों मैं पहली बार खाटू श्याम आ रहा हूँ और इससे पहले कभी नहीं आया था, और पहले मैं सोचता था कि जो खाटू श्याम बाबा है वो कृष्ण जी है, उन्हीं का रूप है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई और है। और कौन है उसके लिए पूरी कहानी आपको बताऊँगा खाटू श्याम की, और तो आपको पता चल जाएगा, बहुतों को पता भी होगा कौन है खाटू श्याम और क्यों इतने पॉपुलर हैं। और कलयुग के सबसे जो है माने जो भगवान है वो खाटू श्याम जी है, और कहते हैं बहुत मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैं भी विश लेके आया दोस्तों आज, देखते हैं हमारी जो कामनाएं पूरी होती नहीं होती है। बाकी आप लोग यार थोड़ा सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को ग्रो करने में। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अस्पताल चौराहा, ये देखिए ये पूरा चौराहा, और हम सीधे जाएंगे और यहां से गाड़ियां मना है आगे अंदर जाना, तो फिलहाल सिर्फ हम पैदल जा सकते हैं। और देखिए काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, आज दूसरा दिन है दोस्तों, 90 दिन बाद खुला है, तो जो श्रद्धालुओं में जो उत्साह है बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के मतलब मज़े एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, और दर्शन के लिए देखिए कितना लोग आ रहे हैं। ऑलरेडी कई लोग होके भी आ चुके हैं यहाँ, देखें अभी जा भी रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं यहाँ पर, आपको मंदिर से पहले बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। और दुकानें देखिए कितनी अच्छी सजी हुई है यहाँ पर। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। और ये देखिए पूरे गेस्ट हाउस हैं यहाँ, बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो धर्मशाला में रुक सकते हैं, धर्मशाला के चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 200-300 रुपये चार्ज करते हैं वो धर्मशाला वाले। देखिए धर्मशाला है दोस्तों ये। अरे मैं खाटू श्याम की गलियों में घूम रहा हूँ दोस्तों। दुकानें देखिए, सो दोस्तों मैं ये धर्मशाला में रुका था, कौन सा धर्मशाला है मैं बाहर निकल के बताऊंगा आपको। और ये देखिए छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर, और उन्होंने चार्ज किया 300 रुपये एक नाइट का, तो ये बहुत सस्ता है। अगर आप सस्ता बजट ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ धर्मशाला में रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये धर्मशाला है श्री श्याम कला भवन विश्राम गृह खाटू श्याम जी, और ये कबूतर चौक से थोड़ा पहले पड़ता है दोस्तों। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कबूतर चौक पे, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अंदर जो है कोई भी लॉकर या जूते रखने की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको जूतों को इन दुकानों में रखने पड़ेंगे। देखिए बहुत से लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी जूते रखे हुए हैं, तो आपको जूते बाहर रखने पड़ेंगे, आपने कमरे में होटल वगैरह में रख के आइएगा। मैं भी नंगे पांव चल रहा हूँ, ये देखिए। मैं पहुँचूँगा खाटू श्याम मंदिर बिल्कुल मेन पर, यहाँ से एंट्री नहीं, दोस्तों एंट्री कहीं और से है। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी एग्जिट का पॉइंट बना रखा है यहाँ पर, दूसरा एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर। ये देखिए प्रसाद के लिए आप बहुत सारे यहाँ पे देखिए मिष्ठान भंडार हैं, आप ले सकते हैं प्रसाद अपने हिसाब से। ये देखिए जय खाटू श्याम बाबा की, ये है मंदिर दोस्तों सामने, पर यहाँ से एंट्री नहीं है दोस्तों, हमें एंट्री कहीं और से करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों ये जो रास्ता देख रहे हो ये जाता है मेन मंदिर की तरफ रास्ता आता है, और ये जो रास्ता देख रहे हो दोस्तों वो जाता है कुंड की तरफ। तो फिलहाल मैं कुंड आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ। बहुत सारी दुकानें, फूल माले, आप झंडे वगैरह चढ़ा पाएंगे यहाँ पे। सो दोस्तों ये मंदिर का मेन एंट्रेंस। तो दोस्तों देखिए ये चेंजेस किए हैं, 12-13 यहाँ पे बना दिए हैं ताकि भीड़ में आपको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ऊपर का भी शेड लगाना बाकी है। तो दोस्तों मैं अभी खाटू श्याम मंदिर में एंटर कर चुका हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से चेंजेस किए हैं ताकि भीड़ को मैनेज करने के लिए लगाई गई है। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ सकते हो और यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। बाकी दर्शन का टाइम थोड़ा कम मिला था, मुझे लगा थोड़ा और मिलना चाहिए, शायद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से हो रहा है, बाकी ठीक था, मज़ा आ गया दर्शन। सो दोस्तों ये देखिए खुलते ही मंदिर कितनी भीड़ हो गई है, इतनी ज़्यादा भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने अभी तक नहीं देखी, और अभी और भीड़ बढ़ने वाली है। आज तो सिर्फ दूसरा ही दिन है दोस्तों, कल शाम को ओपन हुआ था मंदिर, और ये देखिए भीड़। तो दोस्तों ये मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, और ये रास्ता जाता है कुंड की तरफ। तो फिलहाल अब मैं कुंड जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों जो मेरे सामने रास्ता देख रहे हो ना, वो मेन मंदिर तरफ जा रहा है, और इस रास्ते हम इधर आए हैं। और आते ही देखिए यहाँ पे लिखा है श्याम कुंड व मंदिर जाने का रास्ता, और यहाँ पे एक कुंड है श्याम कुंड। इस तरफ जाओगे तो जो है पुरुषों वाला कुंड दिखेगा, और इस साइड महिलाओं का है। तो दोनों में इंपॉर्टेंस कौन सा है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसे भी चीज़ बताने वाला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, पहले जो पुरुषों वाला कुंड है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बहुत पास में ही है यहाँ पर, जहाँ से मैंने आपको बोर्ड दिखाया है वहाँ से पास में ही है। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड। जूते हमने ऑलरेडी उतार दिए थे, तो फिलहाल हम जा रहे हैं।
दोस्तों श्याम कुंड में ना आप जूता रखने का रैक्स बने हैं और प्रति जोड़ा 2 रुपये आप यहाँ पे दे दो, 2 या 5 रुपये जो भी आपको श्रद्धा हो तो आप दे सकते हो। चलिए चलते हैं कुंड दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड पुरुषों कला और देखिए ऑलरेडी लोग नहा भी रहे इसमें और जो लेडीज़ का है वो इधर ही है, पहले वो कनेक्टेड था पर अब दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और कहते हैं दोस्तों इसमें नहाने से जितने चर्म रोग है ना वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए छोटा बच्चा नहा रहा है और कितने मज़े से नहा रहा है सर्दी के दिन में क्योंकि पानी दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ही मज़ा आया, मेरा मन भी कर रहा था लेकिन क्या करें कपड़े छोड़ के आए हमने वहाँ पर। चलिए तो दोस्तों अभी मैं जो मेरे साथ पीछे देख रहा हूँ ये पुरुषों वाला कुंड है श्याम कुंड, अब जा रहा हूँ लेडीज़ वाले में औरतों वाले में और जो मेन कुंड है वो औरतों वाला ही है। ऐसा माना जाता है कि जो शीश है खाटू बाबा का वो वहीं से मिला था तो वो मेन है क्योंकि वहाँ गाना चल रहा है तो शायद इस वजह से मैं वहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा तो आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं श्याम कुंड औरतों वाला। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से आए थे, मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, अब वहाँ पुरुषों का था, अब चलते हैं लेडीज़ वाला जो कि इस साइड है। चलिए थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, आगे जाके आपको राइट टर्न लेना है, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं श्याम कुंड तो ये रहा देखिए श्याम कुंड, मेन जो मंदिर है पुराना मंदिर यही है, पुराना जो कुंड है यही है और इसी में जो खाटू बाबा का शीश है मिला था, उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुआ था। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग जानना चाहते हो कि ये खाटू श्याम बाबा है कौन और क्यों इन्हें हारे का सहारा और बाबू खाटू श्याम मारा कहा जाता है। तो दोस्तों जो खाटू श्याम बाबा हैं वो है बर्बरिक और ये बर्बरिक कौन थे, बर्बरिक है भीम के पोते और खटोचित के बेटे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ना काफ़ी तपस्या करके काफ़ी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी और मतलब इतनी शक्ति थी वो कि वो ब्रह्मांड जी सकते थे। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उन्हें इच्छा जाहिर की कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है महाभारत के युद्ध में और वो अपनी माता से जाते हैं परमिशन लेते हैं, माता कहते हैं जो निर्बल हो ना उसी का साथ देना जो हार रहा हो। तो कहने ठीक है ये प्रण लेकर निकल पड़ते हैं और कृष्ण को ये बारे में पता था कि अगर बर्बरिक युद्ध में आएंगे तो वो निर्मल का साथ देंगे, हारे का साथ देंगे, इस तरह से कभी जो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और गए उसके पास और बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि 3 बाण लेके, बोला कि मैं 3 बाण से पूरा ब्रह्मांड जीत सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे प्रमाण दो। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या करें। तो कृष्ण जी ने बोला कि आप क्या करो, ये जो पेड़ है उसके सारे पत्तों में मतलब छेद कर दो 1 बाण से। तो बर्बरिक ऐसे करते हैं, एक जो बाण से ना पूरे पत्ते में छेद करते हैं और जो उनका एक तीर था वो कृष्ण के पाँव के नीचे घूमने लगता है क्योंकि जो एक पत्थर था कृष्ण ने अपने पाँव में छुपा लिया था। और ये देखे कृष्ण बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मैं ब्राह्मण, मुझे दान चाहिए। तो बोलते हैं बताओ। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो बर्बरिक कहते हैं कि भाई आप नॉर्मल ब्राह्मण तो नहीं सकते कि आप जो शीश मांग रहे हो। चलिए कोई नहीं, आप बताओ कि आप कौन हो। तो उन्होंने अपना सही रूप में आते हैं कृष्ण जी और उनसे बोलते हैं कि फ्यूचर में जो आपका कलयुग आएगा उसमें तुम सबसे बड़े भगवान बन के उतरोगे और लोग तुम्हें श्याम नाम जानेंगे और तुम्हारी ख्याति बहुत ज़्यादा होगी, लोग तुम्हें बहुत पूजा करेंगे। तो ये था दोस्तों और बर्बरिक की कहानी जो कि आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सो दोस्तों ये था मेरा खाटू श्याम की यात्रा, मैंने पूरी कर ली है, दर्शन कर लिए हैं और कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल भी आ सकते हैं बेफिक्र होके। और अभी थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है क्योंकि कल ही ओपन हुआ है तो भीड़ बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे आइए और 2-4 घंटे में दर्शन आपके हो जाएंगे। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में ऑलरेडी दे दी है। तो वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसे नए कॉन्टेंट बनाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ और घुमाता रहूँ। जो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय खाटू श्याम बाबा की।